कौन सा गिविन मीडियम और रिएक्शन हमें दिए परमेनगेनेट आइन एम एन ओ फोर नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीट आइन हम सिर्फ आइंस को कंसिडर करेंगे ये रिएक्शन करके क्या देता है एम एन टू प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन होगी नाइस की लिखा है ना क्वेश्चन में ऑक्सीडाइज एंड एसिडिक मीडियम तो हम आगे देखेंगे ना वट वी हैव टू डू सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं एक्स ले लेते हैं प्लस फोर इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज माइनस टू इज इकल टू ओवरऑल चार्जेस माइनस वन फोर टू जाइज एट एट यहाँ पे है माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस एट में से वन निकाले सेवन साइन लगेगा बढ़ेगा प्लस सेवन कार्बन की ले लेते हैं लेट इट बी एक्स फोर इंटू ऑक्सीजन पर माइनस टू ओवरऑल चार्जेज माइनस टू टू एक्स फोर टू जाइज एट माइनस टू एट यहाँ पे गए माइनस वहां पर जाके हो जाएगा प्लस प्लस माइनस इज माइनस एट में से टू निकाले सिक्स टू यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड टू थ्री ज़ाइ सिक्स तो यहाँ पे चार्ज दिया प्लस थ्री यहाँ पे मोनाटमिक है तो जो इस पर चार्ज दिया था, वे होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है कार्बन पर निकाले थे इट बी एक्स ऑक्सीजन पर चार्जेज माइनस टू ओवरऑल चार्ज इज जीरो टू टू जाएज फोर फोर यहाँ पे क्या है माइनस वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस फोर सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है मैंगनीज जो है प्लस सेवन से प्लस थ्री में जा रहा है यानी यहाँ पे रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस सेवन से प्लस टू में और यहां पे प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है कार्बन सो यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन सो so, जो रिडक्शन है वो कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है फाइव इलेक्ट्रॉन से बाय फाइव इलेक्ट्रॉन वेर इज ऑक्सीडेशन कितने से हो रही है वन इलेक्ट्रॉन से और यहाँ पे कितने हैं कार्बन के दो यहां पे भी हो जाएंगे दो तो अगर एक आइटम में एक इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो चाहिए तो दो में कितने से हो जाएगी रिडक्शन टू इलेक्ट्रॉन से ना वॉट वी हैव हैव टू टू डू वी मल्टीप्लाई दिस बाई टू एंड दिस बाय फाइव टू इक्वलाइज द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करना है लेटेस्ट राइट इट हेयर टू मोल्स ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस थ्री मोल्स ऑफ सी टू सॉरी यहाँ पर थ्री नहीं है ये टू है और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ फाइव के साथ फाइव मोल्स ऑफ सी टू ओ फोर टू नेगेटिव गिवज इसको मल्टीप्लाई करना है टू के साथ टू मोल्स ऑफ एम एन टू प्लस एंड इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ फाइव के साथ फाइव टूजाइज टेन टेन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ अब हमें रिएक्शन बैलेंस होगी इक्वलाइज कर लें इलेक्ट्रो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नाउ वी हैव टू बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे आर ऑलरेडी बैलेंस नेक्स्ट वी हैव टू बैलेंस द चार्ज चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज दिया है माइनस टू फाइव टू इज माइनस का टेन ओवरऑल चार्ज कितना दिया यहाँ पे माइनस का ट्वेल्व और इस टू टू जै प्लस का फोर हम मीडियम देख लेते हैं कौन सा एसिडिक मीडियम है सो so, जहां पर माइनस का चार्ज है वहाँ पर हमने प्लस का चार्ज जोड़ देना है कितना है? इन दोनों में कितने का फर्क है दोनों को माइनस कर लो पता चल जाएगा यहाँ पे सिक्सटीन का फर्क है तो हमने इस साइड ऐड करने सिक्सटीन मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव और उसका हाफ यानी इस साइड हमने ऐड करने एट मोल्स ऑफ वाटर सो नाउ द रिएक्शन इज कम्पलीटली बैलेंस्ड वट वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगेनेट मैंगेनेट के कितने मोल्स चाहिए मोल ऑफ ट को बैलेंस करने के लिए सो फाइव ऑक्ज को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए थे मोल ऑफ सी टू ऑफ फोर टू नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए यहाँ से नंबर क्या करा डिक्रीज यहां पे हो जाएगा डिवाइड दैट मीन्स टू बाई फाइव मोल्सिव टू बाई फाइव इज हाउ मच पॉइंट जीरो फाइव फोर जिस ट्वेंटी दिस इज जीरो पॉइंट फोर मोल्स ऑफ पर मैन इट इज रिक्वायर्ड ये यूनिटरी मेथड होता है पॉइंट फोर मोल विच इज गिवन इन ऑप्शन डी